फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और आईजी टीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत वीकली हॉरोस्कोप, यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल। और ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये रहेगा सोमवार 18 जुलाई 2022 से लेकर रविवार 24 जुलाई 2022 तक। इस साप्ताहिक राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के सप्ताह भर के राशिफल की, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार साप्ताहिक कुछ विशेष उपाय, और इस सप्ताह में विशेष सावन के आपको उपाय बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कुछ पर्वों के विशेष उपाय, तीन विशेष पर्वों के उपाय बताएंगे, कर्क राशि के बाद, वृश्चिक राशि के बाद और मीन राशि के बाद। इसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे विशेष ग्रह गोचर, जिसमें आपको ये बताएंगे कि पूरे सप्ताह भर में क्या नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, कौन सा ग्रह क्या राशि परिवर्तन कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा बात करेंगे विशेष पर्वों के बारे में, आपको ये बताएंगे कि पूरे सप्ताह में कौन से विशेष पर्व हैं, और आपको बताएंगे सप्ताह भर के शुभ योगों के बारे में, कौन से शुभ योग हैं जो विशेष इस सप्ताह रहने वाले हैं। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह और गोचर की, और ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये रहेगा सोमवार 18 जुलाई 2022 से रविवार 24 जुलाई 2022 तक का। बात करते हैं सबसे पहले ग्रह और गोचर की। देखिए, इस सप्ताह में सूर्य का सफर कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण से कर्क राशि में ही पुष्य के दूसरे चरण तक रहेगा। चंद्रमा का सफर कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र तक रहेगा। मंगल का सफर मेष राशि में भरणी नक्षत्र के पहले चरण से भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा। बुध का सफर कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण से कर्क राशि में ही पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण तक रहेगा। गुरु का सफर मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से आगे बढ़ेगा। शुक्र का सफर मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण से मिथुन राशि में ही आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण तक रहेगा। और शनि का सफर उल्टी चाल से मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण से रेट्रोग्रेटिव स्थिति में आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह के विशेष पर्वों के बारे में। देखिए, सप्ताह की शुरुआत बड़ी शुभ होने जा रही है, सावन का महीना है और पहला दिन ही है सोमवार। तो सोमवार 18 जुलाई 2022 को सावन का पहला सोमवार है, विशेष माना जाता है सावन का सोमवार। मंगलवार 19 जुलाई को पहला मंगलागौरी व्रत रहेगा। बुधवार 20 जुलाई को श्रावण कालाष्टमी रहेगी विशेष। शुक्रवार 22 जुलाई 2022 को श्रावण कार्तिकाय दीपम पर्व मनाया जाएगा, और रविवार 24 जुलाई 2022 को कमिका एकादशी, या जिसे हम कामिका एकादशी कहते हैं, वो मनाई जाएगी। बात करते हैं शुभ योगों के बारे में, पूरे सप्ताह भर में कौन से शुभ योग रहेंगे। देखिए, सप्ताह में तीन रवि योग रहेंगे, सोमवार 18 जुलाई, मंगलवार 19 जुलाई और बुधवार 20 जुलाई को। सर्वार्थ सिद्धि योग भी दो रहने जा रहे हैं, इनफैक्ट तीन रहने जा रहे हैं। तो तीन सर्वार्थ सिद्धि योग हैं, मंगलवार 19 जुलाई, गुरुवार 21 जुलाई और शनिवार 23 जुलाई को। अमृत सिद्धि योग भी एक रहने जा रहा है, यह है शनिवार 23 जुलाई 2022 को। तो शनिवार का दिन बड़ा विशेष बनता जा रहा है। और द्विपुष्कर योग रविवार 24 जुलाई 2022 को रहेगा। इस सप्ताह में त्रिपुष्कर योग नहीं है और कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। तो चलिए अब साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। आपको बताएंगे पूरे सप्ताह का राशिफल मेष से लेकर मीन राशि का, और विशेष आपको राशि अनुसार उपाय भी बताएंगे, सावन के विशेष उपाय राशि अनुसार, और आपको पर्वों के विशेष तीन उपाय बताएंगे। शुरुआत करते हैं राशि नंबर एक मेष, यानी कि एरीज के साथ में। ये सप्ताह धनदायक रहेगा, आर्थिक मजबूती आएगी, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में सफल रहेंगे, घर में पार्टी रखेंगे, भाग्य बल से कामकाज आपके पूरे होंगे। उपाय ये करें, मेष राशि वालों, शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें। दूसरी राशि वृष यानी टॉरस की बात करेंगे, ये सप्ताह चिंताग्रस्त रहेगा, साझेदार से संबंध कटु रहेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, दफ्तर में सीनियर्स का साथ मिलेगा, सेहत के प्रति परेशान रहेंगे। उपाय ये करें, वृष राशि वालों, पानी में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, सप्ताह लाभकारी रहेगा, व्यापार लाभ होगा, दाम्पत्य मतभेद हल होंगे, सेहत नरम रहेगी, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, धोखाधड़ी के योग हैं। उपाय ये करें मिथुन राशि वालों, पानी में मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें।
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, यह सप्ताह समस्यावान रहेगा, थकान महसूस करेंगे, बातचीत में विनम्र रहें, छात्रों का मन पढ़ाई से हटेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी, सेहत पर ध्यान दें, उपाय ये करें, कर्क राशि वालों शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। तो दोस्तों अब समय है पर्व के उपाय का। विशेष पर्व कौन सा है? सावन का पहला सोमवार। तो क्या करें? दूध में अपनी छाया देखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम सोमनाथाय नमः, और आश्वस्त करता हूँ आपको डिप्रेशन से छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। उपाय सुन लिया आपने। बात करेंगे पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। ये सप्ताह सफल रहेगा, काम के कारण पहचान बनेगी, जीवन शैली में बढ़त रहेगी, पारिवारिक यात्रा के योग हैं, ज़्यादा खर्चों के कारण हाथ तंग रहेगा, उपाय ये करें कि पानी में गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। सप्ताह क्लेशकारी रहेगा, बहसबाजी के कारण परेशान रहेंगे, लंबी यात्रा के योग हैं, सहकर्मियों से वाद विवाद के योग हैं, छात्र कड़ी मेहनत करेंगे, उपाय ये करें कन्या राशि वालों पानी में कुशा डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे। ये सप्ताह मिश्रित रहेगा, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, पुरानी परेशानी हल होगी, दफ्तर में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी, पेट के रोग परेशान करेंगे, उपाय ये करें तुला राशि वालों शिवलिंग पर गौघृत यानी कि गाय के घी से अभिषेक करें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। ये सप्ताह खुशनुमा रहेगा, परिवार को पूरा समय देंगे, पुराने मुद्दे को लेकर चिंता रहेगी, भाई बहन से लाभ होगा, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, उपाय ये करें वृश्चिक राशि वालों पानी में चमेली का इत्र डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो अब समय है पर्व के उपाय का, और पर्व कौन सा है? मंगला गौरी का पर्व। सावन का पहला मंगलवार और मंगला गौरी का पर्व है। और क्या करें आप? देवी मंगला गौरी पर चढ़ा लाल चंदन रोज प्रयोग में लें और पूरे प्रयोग में ह्रीम मंगला गौरी देवी नमः इस मंत्र का जाप करें, सुंदरता में वृद्धि होगी, इसको फेस पैक की तरह लगा लें। बात करेंगे नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। ये सप्ताह सुखकारी रहेगा, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, सेहत ठीक रहेगी, कारोबारी लाभ होगा, हर काम आसानी से पूरा होगा, अधिकारी सहयोग करेंगे, उपाय ये करें धनुराशि वालों दूध में केसर डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। ये सप्ताह कष्टकारी रहेगा, ध्यान भटका रहेगा आपका, सेहत खराब रहेगी, अनावश्यक तनाव लेने से बचें, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, उपाय ये करें मकर राशि वालों के सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, भाषा पर नियंत्रण रखें, बहसबाजी के योग हैं, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, भाई बहन का पूरा सहयोग रहेगा, सेहत का ख्याल रखें, उपाय ये करें कुंभ राशि वालों पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे। ये सप्ताह शानदार रहेगा, नौकरी पेशा को लाभ होगा, बहुत खुश रहेंगे, शुभ कार्यों पर खर्चा होगा, भाई बहन से लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में भागदौड़ रहेगी, उपाय ये करें मीन राशि वालों मिश्रित फलों के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो दोस्तों अब समय है विशेष पर्व के उपाय का, और पर्व है कामिका एकादशी, बड़ा विशेष पर्व है। तो क्या करें आप? भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शंख अर्पित कर दें, चाहे छोटा ही सही, और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम श्रीधराय नमः, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक राशिफल, और साप्ताहिक राशिफल में हमने बात की मेष से लेकर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की, साथ ब साथ के आपको विशेष राशि अनुसार उपाय भी बताए, पर्वों से संबंधित तीन विशेष उपाय भी बताए। इस साप्ताहिक राशिफल में ग्रह गोचरों की बात की हमने, विशेष पर्वों की बात की, शुभ योग की बात की, और ये जो राशिफल था ये सोमवार 18 जुलाई 2022 से रविवार 24 जुलाई 2022 तक का था। ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।